नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फैंटेसी क्रिकेट टीम के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हमको ऑकलैंड एसिस वर्सेस विलिंगटन फायरबर्ड्स का जो मैच खेला जाने वाला है सुपर स्मैश T20 लीग में, उसके स्क्वाड की इन्फॉर्मेशन, पॉसिबल प्लेइंग 11 और ग्रैंड लीग टीम और एक स्मॉल लीग टीम देने वाला हूँ। तो ये सब देने से पहले मैं आप सभी को थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि हमने 700 सब्सक्राइबर्स का जो मार्क रहता है उसे क्रॉस कर लिया है और अभी हम मार्च कर रहे हैं 1000 सब्सक्राइबर्स की ओर। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी हमारे इस चैनल से जुड़े रहेंगे और 1000 सब्सक्राइबर्स भी हमारे जल्दी हो जाएंगे। तो ओके गाइस, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो ऑकलैंड एसिस का जो स्क्वाड है आप देख सकते हो, ये हमें दोनों ही ऑफिशियल अकाउंट से ही स्क्वाड मिले हैं। दोनों टीम्स ने अपने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया स्क्वाड में और दोनों ही टीम्स ने अपने जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको स्क्वाड में ऐड कर लिया है। तो यहाँ से हम ऑकलैंड एसिस की स्क्वाड देख लेते हैं। उसमें क्रैग कैचोपा, माइकल बैरी, मार्क चैपमैन, सैम कुरान, मार्टिन गुप्टिल की वापसी हो गई है दोस्तों स्क्वाड में और कल खेलेंगे भी। फिर बेन हॉने, बेन लिस्टर, मैट मक्वीन, तरुण नेतुला, तेजा नदामिनारू, रॉबी ओडोनियल और ग्लेन फिलिप्स। ये इसमें मार्टिन गुप्टिल और मैट मैकविन दो नए और माइकल बैरी, ये तीन नए फेसेस आए हैं स्क्वाड में। तो ये तीनों के इफेक्ट डायरेक्टली प्लेइंग 11 में हो सकता है। एक चांसेस बनता है कि माइकल बैरी या तो मैट मैकविन, ये दोनों में से कोई एक खेलेगा। फिर अभी हम विलिंगटन फायरबर्ड्स की स्क्वाड देख लेते हैं। तो उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हुए, जैसे कि लोगन वैन बिक, उनके लोकल बॉलर थे, उनको निकाल दिया गया है स्क्वाड से और ओली न्यूटन को ऐड कर लिया है, एलेक्स रिडली को ऐड कर लिया है, ल्यूक रॉन्च की वापसी हो गई है। लास्ट मोमेंट में, कल लास्ट का मैच में टॉम बंडल की थोड़ी कन्फ्यूजन हुई थी, लास्ट मोमेंट में उन्होंने विलिंगटन फायरबर्ड्स में अपने स्क्वाड में चेंजेस करके टॉम बंडल को हटा के डेविड कॉनवे को ऐड कर लिया था। तो इस मैच में उन्होंने स्टेपन मर्डॉच को हटा कर टॉम बंडल को फिर से ऐड कर लिया है स्क्वाड में। तो टॉम बंडल लास्ट मैच में एंड मोमेंट पे इंजियर हो गए थे, थोड़ी इंजरी थी उनको, इसलिए डेविन कॉनवे को वो वाला मैच खिलवाया गया था और उन्होंने 50+ स्कोर किया था। तो मुझे लगता है कि टॉम बंडल स्टेपन मर्डॉच की जगह पर खेल सकते हैं, या तो डेविन कॉनवे या तो टॉम बंडल, ये दोनों में से कोई एक खेलेगा। फिर हामिस मार्शल, डेविन कॉनवे, टॉम बंडल, माइकल ब्रेसवेल, इयान मैकपिक, ल्यूक रॉन्ची, जीतन पटेल, समित पटेल, ओली न्यूटन, एलेक्स रिडली, अनुराग वर्मा और ल्यूक वुडकॉक, ये हो सकते हैं दोस्तों। सॉरी, यही है स्क्वाड विलिंगटन फायरबर्ड्स की। तो अभी हम पॉसिबल प्लेइंग 11 देख लेते। तो सबसे पहले हम विलिंगटन फायरबर्ड्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 देख लेते हैं। तो उसमें हैमिस मार्शल, ल्यूक रॉन्ची ओपनिंग कर सकते हैं, फिर डेविन कॉनवे या तो टॉम बंडल, ये दोनों में से कोई एक खेलेगा। ज़्यादा चांस है कि डेविन कॉनवे खेले, क्योंकि लास्ट मैच में 50+ स्कोर किया था। फिर माइकल ब्रेसवेल, समित पटेल, जेतन पटेल, इयान मैकपिक, ल्यूक वुडकॉक, अनुराग वर्मा, न्यूटन और रिडली या तो टॉम बंडल। तो थोड़ा चांस है कि अगर कॉनवे खेले तो भी टॉम बंडल के थोड़े चांसेस बनते हैं कि वो एलेक्स रिडली की जगह पर खेल सकते हैं। मुझे लगता है कि टॉम बंडल और डेविन कॉनवे खेल सकते हैं कल का मैच। फिर ऑकलैंड एसिस की पॉसिबल प्लेइंग 11 देख लेते हैं। तो उसमें ग्लेन फिलिप्स और मार्टिन गुप्टिल या केचोपा ओपनिंग कर सकते हैं, फिर मार्क चैपमैन, रॉबी टोडोनियल, सैम कुरान, बेन हॉने, बेन लिस्टर, नेथुला, निदा मनारू, फिर बैरी या तो मैकविन, ये दोनों में से कोई एक खेल सकता है। माइकल बैरी एक ऑलराउंडर टाइप है और मैकविन एक बॉलर है, तो टीम किसे प्रेफर करती है तो हमें ये लास्ट मोमेंट में पता चलेगा। तो आप चाहे तो ये दोनों में से किसी पे एक रिस्क ले सकते हो। तो अभी हम टीम देख लेते हैं। टीम वन मैंने स्मॉल लीग के लिए बनाई है और टीम टू मैंने ग्रैंड लीग के लिए बनाई है। तो सबसे पहले हम टीम वन को एडिट करके चेक कर लेते हैं। विकेट कीपिंग सेट में हमारे पास चारों ही ऑप्शन दोस्तों अवेलेबल है और स्क्वाड में है और ग्लेन फिलिप्स का कंफर्म है कि खेलेंगे, ल्यूक रॉन्ची भी लगभग कंफर्म है कि कल का मैच खेलेंगे और टॉम बंडल और डेविन कॉनवे, ये दोनों में थोड़ी कन्फ्यूजन है दोस्तों कि इसमें से कोई कौन एक खेलेगा या दोनों खेलेंगे। तो स्मॉल लीग की टीम है तो ग्लेन फिलिप्स एक बहुत अच्छे ऑप्शन है दोस्तों और बैट्समैन भी बहुत अच्छे ओपनिंग करेंगे और लास्ट मैच में इनका परफॉर्मेंस भी शानदार रहा था। फिर बैटिंग सेक्शन से मैंने मार्टिन गुप्टिल, हैमिस मार्शल, माइकल ब्रेसवेल और रॉबर्ट ओडोनिल को पिक किया है। आप चाहे तो बेन होने को पिक कर सकते हो, स्टेपन मर्डा स्क्वाड में नहीं है दोस्तों, इनको प्लीज़ मत पिक कीजिए। मैट टेलर स्क्वाड में नहीं है, माइकल पैप स्क्वाड में नहीं है, जीत रावल भी स्क्वाड में नहीं है दोस्तों। आप चाहे तो कैचिपा को रख सकते हो यहाँ से, सीन सोलिया स्क्वाड में नहीं है, फ्रेशर स्क्वाड में नहीं है, माइकल गुप्टिल बॉन्स भी स्क्वाड में नहीं है। आप यहाँ से मार्टिन गुप्टिल को रख सकते हो, उनकी चॉइस आप देख सकते हो, अभी तक सिर्फ 7.49 है, लेकिन ये अभी जब मैच स्टार्ट हो जाएगा तो ये लगभग 30-35% तक पहुँच जाएगी। तो आपको स्टेफन मर्डिस को भी नहीं लेना है दोस्तों, इनको भी आप देख सकते हो 18% लोगों ने पिक किया हुआ है। तो अभी हम ऑलराउंडर सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो उसमें मैंने समित पटेल, अनुराग वर्मा और मार्क चैपमैन को रखा है, ये ऊपर के दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल नहीं है दोस्तों। ल्यूक वुडकॉक को आप अपनी टीम में रख सकते हो और नीचे के ये दो ऑप्शन नहीं है और माइकल बैरी स्क्वाड में है और थोड़ा कन्फ्यूजन है कि खेलेंगे कि नहीं। फिर बॉलिंग सेक्शन से मैंने बेन लिस्टर, आयन मैकपिक और सैम कुरान को रखा है, ये दो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है दोस्तों। मैट मैकविन स्क्वाड में है और माइकल बैरी या तो मैट, ये दोनों में से कोई एक खेलेगा। आप चाहे तो नेतालो को रख सकते हो, जीतन पटेल को आप अपनी टीम में रख सकते हो, हैमिस बेनेट स्क्वाड में नहीं है,
मिचेल मैकलेनगन स्क्वाड में नहीं है। लिहाज से आप तेजा को रख सकते हो अपनी टीम में, न्यूटन को रख सकते हो स्क्वाड में है, यंग हस्बैंड और सांजू स्क्वाड में नहीं है। एलेक्स रिडली को आप चाहे तो एज रिस्क पर रख सकते हो क्योंकि स्क्वाड में है, और ये या तो टॉम मंडल खेलेंगे, लॉकर फर्ग्यूसन भी स्क्वाड में नहीं है। फिर कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की बात करें तो कैप्टन बेस्ट कैप्टन जो रहेंगे स्मॉल लीग की टीम में वो है समित पटेल, क्योंकि फोर ओवर गेंदबाजी करते हैं और वन डाउन आते हैं, तो एक बहुत अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं कैप्टन के लिए, और हमेशा हर एक मैच में परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक मतलब नोटिसेबल पॉइंट है समित पटेल का। और वाइस कैप्टन हम ग्लेन फिलिप्स को रखेंगे जो विकेट कीपिंग में हमारे पास पॉइंट दिला सकते हैं और ओपनर है और बहुत अच्छे फॉर्म में भी है। तो आपको एक बार टीम का प्रीव्यू दिखा दूँ, आप वीडियो को पॉज करके एक बार टीम का प्रीव्यू चेक कर लेना। अगर आप थोड़ा से और सेफ जाना चाहते हो तो मार्टिन गप्टिल को हटाकर आप कैचुकॉप पर रख सकते हो, लेकिन मार्टिन गप्टिल के ज़्यादा चांस है कि वो कल खेलेंगे। टीम टू मैंने ग्रैंड लीग के लिए बनाई है, यहाँ से मैंने ग्लेन फिलिप्स को हटाकर ल्यूक रोंची को पिक कर लिया, हैमिस मार्शल, कैचोपा, मार्टिन गप्टिल, मार्क चैपमैन, ल्यूक वुडकॉक और समित पटेल। यहाँ से मैंने अनुराग वर्मा को ड्रॉप करके ल्यूक वुडकॉक को ले लिया, और यहाँ से मैंने फोर बॉलर्स लिए, 4-3-3-1, ये मेरी कॉम्बिनेशन है दोस्तों, मतलब फोर बॉलर, थ्री ऑलराउंडर, थ्री बैट्समैन और वन विकेट कीपर। तो यहाँ से मैंने ये वाली कॉम्बिनेशन चूज़ की है ग्रैंड लीग के लिए कल के मैच के लिए। फिर जीतन पटेल, न्यूटन, सैम कुरन और लिस्टर, तो मेरी कॉम्बिनेशन इस तरह से है दोस्तों, 1-2-3 बॉलर्स हमारे ऑकलैंड से और 1-2-3-4 हमारे बॉलर्स विलिंगटन से। तो अगर आप चाहे तो एक आधा बॉलर आप ऑकलैंड से भी ले सकते हो, जैसे कि न्यूटन को हटाकर आप किसी एक बॉलर को रख सकते हो ऑकलैंड के। तो कैप्टन मैंने ल्यूक रोंची को रखा है दोस्तों, अगर ल्यूक रोंची खेलते हैं तो मुझे लगता है कि विकेट कीपिंग भी करेंगे कल के मैच में और ओपनिंग भी करेंगे, और ये ल्यूक रोंची का न्यूजीलैंड में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, तो और ये अपने होम T20 लीग में खेल रहे, तो मुझे लगता है कि ल्यूक रोंची कुछ अच्छा कर सकते हैं कल, इसलिए मैंने कैप्टन रखा। और आपने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी देखा होगा कि चिटागोंग वाइकिंग्स के कैप्टन थे और कितने अच्छे फॉर्म में भी थे, सिर्फ ये वन मैन थे उस टीम में जो हर एक मैच खेल रहे थे कंसिस्टेंसी से। फिर मार्क चैपमैन को मैंने वाइस कैप्टन रखा है, आप चाहे तो मार्टिन गप्टिल को रख सकते हो और ल्यूक रोंची को कैप्टन, ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा है दोस्तों। हैमिस मार्शल को आप रख सकते हो, ल्यूक वुडकॉक समित पटेल के साथ भी आप जा सकते हो। तो ओके गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू।